अभी देखा जाए तो चंद्रशेखर जी, मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा, जैसे जिग्नेश मेवानी हो गया, इसके अलावा अदिति राय हो गई, इसके अलावा प्रशांत भूषण, अभी बहुत सारे लोगों ने आपके लिए एक मीडिया क्लब, जो दिल्ली का मीडिया क्लब है, उसके अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उन्होंने आपकी रिहाई के लिए भी, इसके अलावा जो 5 लोग अभी सामाजिक लोग थे उनको भी रिहाई की बात की। तो क्या आपको लगता है कि जब ये लोग आपके साथ होंगे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आप उनके साथ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, न्याय की लड़ रहा हूँ, तो इसलिए जो लोग न्याय पसंद लोग हैं, जो मन पसंद लोग हैं, जो न्याय की बात करते हैं, वो उन्होंने मेरे लिए कई रैलियां भी की, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सरकार को चेताने का काम भी किया, सरकार से डिमांड भी की। तो ऐसे लोगों का तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मतलब न्याय की बात की। तो वो अच्छे लोग हैं, न्याय की बात करते हैं, लेकिन मैं राजनीतिक दल के मैं के पक्ष में नहीं हूँ, पर चुनावी दल के पक्ष में नहीं हूँ, चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। तो मैं किसी के साथ जाना और ना जाना, क्योंकि भीम आर्मी खुद में, अभी आप देखेंगे कि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है भोजनों का जो सबसे बड़ा संगठन है जी, इससे पहले इतना बड़ा संगठन कोई बना ही नहीं। तो भीम आर्मी खुद में बहुत मजबूत है, संगठित वो है, तो मुझे राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। मेरी बात को सुनने और कहने के लिए आज लाखों करोड़ों लोग जो है तैयार है, तो राजनीतिक दल से कोई का कोई मतलब नहीं बनता, उस पर कोई बात करना बेकार ही होता।